आगरा के शिल्प ग्राम में कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव 2022 की शुरुआत रविवार से हो गई। इसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी और कलाकार अपने शिल्प और कला का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम से शिल्प ग्राम मिनी भारत बना नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में कई बॉलीवुड कलाकार अपने सुरों से महफिल सजाएंगे। बता दें कि ताज महोत्सव के 30वें आयोजन की थीम आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग रखी गई है। शिल्प ग्राम में लगभग 375 स्टॉल बनाए गए हैं, जिनमें 15 फूड स्टॉल भी शामिल हैं। फन जोन में बच्चों के लिए झूले रहेंगे। इस बार करीब 350 शिल्पी महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। सहारनपुर का वुडक्राफ्ट, कश्मीर का सूट और पश्मीना शॉल, फरीदाबाद का टेराकोटा, पश्चिम बंगाल की कांधा साड़ी, वाराणसी की सिल्क साड़ी, बिहार का सिल्क, भदोही का कारपेट, लखनऊ का चिकन कपड़ा, आंध्र प्रदेश का क्रोशिया और सिल्क, खुर्जा की पाटरी, आसाम का केन फर्नीचर महोत्सव में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यहाँ सही कह रहे हैं आप कि इस बार ताज महोत्सव की डेट में चेंजेस है। हम ताज महोत्सव 18-27 फरवरी मनाते आए हैं। इस बार चूंकि इलेक्शन था, इस कारण इसकी डेट में कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। अब हम ताज महोत्सव को 20 मार्च से 29 मार्च, एक 10 दिवसीय इवेंट है ये। इस बार हम आज़ादी के 75वें उसमें जा रहे हैं, तो हमारी थीम भी इसी के अनुरूप है। और इस बार के ताज महोत्सव में हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रांत के सभी जगह से, हिंदुस्तान के सारे प्रांतों से शिल्पीज आएँ। यहाँ पर हम फोक, कुजीन, कल्चर एक ही छत के नीचे सबको दिखा सकें, यहाँ अधिक से अधिक टूरिस्ट को बुला सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन शाम को कला मंच पे किए जाएंगे। मुख्य कलाकारों की बात की जाए तो कौन अपना प्रदर्शन करेंगे? विशेषकर हमारा प्रयास ये है कि जो आगरा और इसके आसपास के ऐसे आर्टिस्ट जो जिन्होंने एक अपना मुकाम कायम किया है, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को भी मंच दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बॉलीवुड के भी आर्टिस्ट को भी हमने बुलाया है। प्रथम दिन जो हमारा शुभारंभ हो रहा है 20 मार्च को, उस दिन बिरजू महाराज की शताब्दी पे उस पर हम एक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तथा साथ ही बॉलीवुड के सिंगर पापोन का भी उस दिन कार्यक्रम। वहीं केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत 24 मार्च को अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष दल महोत्सव में भाग लेगा। अरुणाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, व्यंजन और शिल्प का प्रदर्शन दल करेगा। वहीं ताज महोत्सव में प्रवेश शुल्क 50 रुपए रहेगा। 3 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ताजमहल देखने आए पर्यटकों को उसी दिन का ताजमहल का टिकट दिखाने पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। वहीं विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। टिकट लास्ट ईयर 50 रुपीज का था, वही रेट है। टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, टिकट 50 रुपए का ही है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाए तो उसके कुछ प्रयास किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा? इसमें विशेषकर प्रचार प्रसार किया गया है मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करने का हमारा प्रयास रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महोत्सव को देख सकें। जहाँ तक विदेशी पर्यटकों की बात है तो उनकी आइटनरी में रहता है, क्योंकि इधर कोविड के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह ना होने से थोड़ा सा विदेशी पर्यटक नहीं है, परंतु डोमेस्टिक पे पूरी तरीके से फोकस किया गया है और इसमें अधिक से अधिक लोग आएंगे। बता दें कि ताज महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं। स्थान शिल्प ग्राम मुक्ताकाशीय मंच। 20 मार्च पंडित बिरजू महाराज को समर्पित प्रस्तुति, पंडित जयकिशन महाराज और बॉलीवुड गायक पपोन की प्रस्तुति। 21 मार्च श्रेय खन्ना और कबीर कैफे बैंड। 22 मार्च लाफ्टर शो सुनील पाल, सुरेश अलबेला और राजन श्रीवास्तव। 23 मार्च ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर, संजीवनी भेलांदे, दिवाकर, प्रियंका वैद्य, संदीप बत्रा। 24 मार्च स्वराग बैंड। 25 मार्च राजस्थानी लोक संगीत पद्मश्री गुलाबो सफेरा। 26 मार्च ए हरिहरन। 27 मार्च सितारे आगरा के। 28 मार्च रियलिटी स्टार नाइट सचिन वाल्मीकि और निष्ठा शर्मा। 20 मार्च बॉलीवुड नाइट बी पराग। स्थान आगरा किला। 25 मार्च अंशुमन महाराज सरोद वादन और असलम साबरी का कव्वाली कार्यक्रम। स्थान सूर सदन। 21 से 29 मार्च तक नाटक मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम। 28 मार्च को मुशायरा, 29 मार्च को कवि सम्मेलन। स्थान सदर बाजार। 21 से 29 मार्च तक सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्थान जोनल पार्क। 25 से 28 मार्च तक शास्त्रीय, उप शास्त्रीय व सांस्कृतिक कार्यक्रम। वहीं 20 से 29 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में शिल्प ग्राम, सूर सदन, सदर बाजार, जोनल पार्क,
आई लव आगरा पॉइंट, आगरा किले में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा 21 मार्च को होटल जेपी पैलेस में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। वहीं आयोजकों को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से पर्यटन विभाग को भी फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से बृजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।